हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइपॉन ड्रॉप के बारे में, जो कि बच्चों का सबसे बढ़िया ड्रॉप है, जो कि बच्चों को भूखने लगती है, वजन नहीं बढ़ती है, और भी कई सारे फायदे हैं इस ड्रॉप के, और कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये साइपॉन ड्रॉप जो कि जेनो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की है, और इसके प्राइस की बात करें तो 50 रुपए है, जो कि 15 ml के पैक में अवेलेबल है। दोस्तों, ये ड्रॉप आपको किसी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके ग्रेन के बारे में। तो यहाँ देखते हैं साइपोहेप्टाडिन एंड ट्राइकोलाइन साइट्रेट, और इधर को देखते हैं साइपोहेप्टाडिन 1.5 mg, ट्राइकोलाइन साइट्रेट 55 mg अवेलेबल है। दोस्तों, साइपॉन ड्रॉप जो कि बच्चों के सबसे बढ़िया ड्रॉप है और काफी अच्छा रेल दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, भूख ना लगना। अगर किसी बच्चों को भूख ना लगने की समस्या हो तो उसमें यूज करवा सकते हैं, यह भूख को भी बढ़ाता है, यह एक एपिटाइट बूस्टर है। नंबर 2, एलर्जी की समस्या हो तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं। नंबर 3, नाक बहना, आंख लाल होना। नंबर 4, शरीर में खुजली हो। नंबर 5, वेट गेन भी करता है, ये वजन को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे हैं इस ड्रॉप के, और इनसे भी प्रॉब्लम्स में यूज करवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस ड्रॉप को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बच्चे के कंडीशन को देखकर डोज फिक्स करते हैं। 0.25 mg से 0.5 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। अगर इन्फेंट है तो 0.25 mg से 0.5 mg तक दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। और 2 से 6 साल तक को 12 mg पर डे, और 6 से अधिक को 15 mg तक दे सकते हैं। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये ड्रॉप आप यूज कर रहे थे, बात ध्यान रखें। नंबर 1, ग्लूकोम में यूज ना करें। नंबर 2, अगर किसी बच्चे को पेशाब कम आ रहा है तो उसमें भी यूज ना करवाएं। नंबर 3, अस्थमा हो तो उसमें यूज ना करवाएं। नंबर 4, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें ड्रॉप के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस ड्रॉप के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस ड्रॉप का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो साइपॉन ड्रॉप के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया ड्रॉप है और काफी अच्छा रेल दिया गया है। और दोस्तों, इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, साइपॉन ड्रॉप, साइपॉन सिरप, साइपॉन कैप्सूल और साइपॉन जी सिरप, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस ड्रॉप में और भी कई कंपनी के ड्रॉप अवेलेबल है, सिपेल ड्रॉप, एप्राइज ड्रॉप, जो कि ये भी आपको किसी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।